नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइए, 10 मिनट शो शुरू हो चुका है। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मिनट शो में होता क्या है, 10 मिनटों में परीक्षा संबंधी किसी एक टॉपिक का विश्लेषण होता है और मैं प्रयास करती हूँ कि उन 10 मिनटों में वो सारी की सारी व्यवस्था तुम्हें याद करवा दूँ। तो आज का जो 10 मिनट शो होने वाला है वो होने वाला है फ्रेंच ओपन 2024। आप सभी को पता है लॉन टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं वर्ष भर में आयोजित की जाती है जिन्हें ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी के अंतर्गत वर्ष की दूसरी बड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, टेनिस लॉन टेनिस से संबंधित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024। एक ही कक्षा में आपके सारे तथ्य यहां से कवर हो जाएंगे, याद भी हो जाएगा, तो फोकस होकर क्लास को जरूर देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाने वाला यह टूर्नामेंट है, यह मई के अंत और जून की शुरुआत में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका आयोजन 2024 में 26 मई से 9 जून तक किया गया था। वार्षिक टेनिस कैलेंडर में जैसा कि मैंने बताया यह दूसरा प्रमुख लॉन टेनिस प्रतियोगिता है और क्ले कोर्ट के मैदान में खेली जाने वाली एकमात्र प्रतियोगिता है। इसे रोलांड गरोस की ही एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो कि अभी भी मिट्टी में यानी कि क्ले कोर्ट में खेला जाता है। टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक है और दुनिया भर में इसका एक बड़ा व्यापक प्रसारण होता है और चर्चित भी है ना, रोलांड गरोस नाम से भी ये जाना जाता है, तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। 2024 फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, 26 मई से लेकर के 9 जून तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई पेरिस में स्टेट रोलांड गरोस में आयोजित इसे किया गया। इसके अंतर्गत पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल यानी कि मेल सिंगल, फीमेल सिंगल, मेल डबल्स, फीमेल डबल्स और मिक्स डबल्स, ऐसी कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ये फ्रेंच ओपन का 123वां संस्करण था, ये भी याद रख लेना चाहिए, और 2024 का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। जिनको मैं रिपीटली बोल रही हूं उसको थोड़ा सा फोकस कर लेना, एग्जाम पर्पस से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ूंगी तो थोड़ा सा फोकस कर लेना। स्पेन के कार्लोस अल्कराज और पोलैंड की ईगा ने 2024वें फ्रेंच ओपन में मेल सिंगल और फीमेल सिंगल में पुरस्कार जीता है। अल्कराज के लिए यह पहला फ्रेंच ओपन है, ऐसा नहीं इनकी इन्होंने पहले ग्रैंड स्लैम जीते नहीं है, जीते हैं, लेकिन फ्रेंच ओपन इन्होंने फर्स्ट टाइम जीता है और दुनिया की नंबर वन ईगा ने यह चौथा फ्रेंच ओपन जीता है। तो ये जो तथ्य आपके सामने लिख रहे हैं उन तथ्य को थोड़ा फोकस कर लेना। अल्कराज जो कि मेल सिंगल मैन सिंगल में जीते हैं, उनका ये फर्स्ट फ्रेंच ओपन है। ईगा जो कि वुमेन सिंगल में जीती हैं, इनका ये फोर्थ फ्रेंच ओपन है। तथ्यों पर फोकस कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ूंगी मैं, फ्रेंच ओपन के लिए 123वां संस्करण है, रोलैंड गैरोस में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगर मैं ट्रिक बताऊं तो याद कर सकते हो आप, आफ बाऊ, आफ बाऊ के लिए कैसे याद रखोगे? 4 होती है प्रतियोगिताएं ग्रैंड स्लैम की वर्ष में, सबसे पहले होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होती है दोस्तों फ्रेंच ओपन, और फिर उसके बाद होगी विंबलडन ओपन, अभी इसके बाद कौन सी होगी, विंबलडन ओपन, और लास्ट में वर्ष के अंत में होती है यूएस ओपन। तो ट्रिक भी याद कर लेना मेरे साथ साथ, आफ बाऊ, ठीक है, देखते हैं भाई। तो एक एक करके मैं देखूंगी, अगर कोई विजेता हुआ है तो उससे भी संबंधित सारे प्रश्न आपको इस 10 मिनट के शो में बताने की प्रयास करूंगी। स्पेन के 21 वर्ष के खिलाड़ी अल्कराज ने या फिर कार्लोस अल्कराज ने अपने करियर में तीसरा ग्रैंड स्लैम, थर्ड ग्रैंड स्लैम है इनका, लेकिन फर्स्ट फ्रेंच ओपन है, ये याद रख लेना। पहला फ्रेंच ओपन खिताब, तीसरा ग्रैंड स्लैम, और स्पेन के हैं, 21 वर्ष की आयु में आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लॉन टेनिस की प्रतियोगिता में जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। अल्कराज ने इससे पहले 2022 में कौन सा खिताब जीता था, यूएस ओपन जीता था, 2023 में विंबलडन ओपन जीता था, और 2024 में अब इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीत लिया है। याद रख लेना किसको हराया है इन्होंने, जर्मनी के अलेक्जेंडर को हरा करके यह खिताब जीता है। कोर्ट फ्लिप चैरिटर पर खेला गया था यह, और लंबा था, और क्ले कोर्ट में भी यह मैच खेला गया था। तो ये जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे इनको फोकस कर लेना, जहां जहां मैंने चांद सितारे बनाए हैं उसको याद कर लेना। आगे बढ़ूंगी क्योंकि तथ्य की व्यवस्था है। अब बात करते हैं वुमेन सिंगल की, तो वुमेन सिंगल में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी पोलैंड की ईगा ने
पोलैंड की ईगा ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन को अपने नाम कर लिया है। चांद सितारे लगा लो, आगामी परीक्षाओं में यही प्रश्न परीक्षा के प्रश्न के रूप में बन के आएगा, तो फोकस इसी 10 मिनट शो में कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर किसको हराया है, तो इटली की जैस्मिन को हरा करके इन्होंने यह खिताब जीता है। इसके पहले ईगा ने 2020, 2022, 2023 और 2024, मतलब कि अगर मैं रिपीटली बोलूं, सतत रूप से लगातार 2022, 2023 और 2024 का ईगा ने पोलैंड की खिलाड़ी है फ्रेंच ओपन जीता है, याद रख लेना। अमेरिकी टेनिस के महान खिलाड़ी क्रिस एवर्ट के नाम से सर्वाधिक 7 बार एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड है, चांद सितारे लगा करके देख लेना। और साथ ही साथ अब जो ईगा है वो 23 साल की है और केवल 5 ग्रैंड स्लैम इनके पास है, याद रख लेना। 2022 में इन्होंने यूएस महिला ओपन भी जीता था। कमेंट्स में जरूर बताना ये जानकारियां जो मैं बता रही हूँ वो परीक्षा में आएंगी कि नहीं, ठीक है, याद जरूर कर लेना। मैं पहले से बोल रही हूँ यही क्वेश्चन आपके आगामी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एमपीपीएससी और एमपीएसआई, अग्निवीर, आर्मी कोई भी एग्जाम में आए तो आश्चर्यचकित मत होना, ये बोलना मैं 10 मिनट शो में पढ़ चुका हूँ। आगे बढ़ूंगी मैं, अब देखते हैं भाई, तो अब डबल्स में देख लेते हैं, वुमेन्स डबल्स में, महिला डबल्स में याद रख लेना के ने जीता है। किसने जीता है? के ने जीता है, कोको और कैटरीना ने, कोको और कैटरीना ने यह पुरस्कार जीता है, तो ये भी पुरस्कार आपको याद रख लेना चाहिए। कोको और कैटरीना ने, अमेरिका की कोको ने यह पुरस्कार जीत लिया है। सबसे कम उम्र की महिला है जो कि इन्होंने यह जीता है, तो चांद सितारे फिर से लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर किसके साथ खेला था यह डबल्स? दो लोगों के साथ खेला जाएगा, तो चेक गणराज्य की कैटरीना के साथ यह जीता है और अपने नाम यह खिताब कर लिया है सबसे कम उम्र में, कोको कैटरीना महिला डबल्स। आगे बढ़ूंगी, अब आते हैं पुरुष डबल्स में, तो ये मैंने आपको एक टेबल ही दे दी है, आप टेबल के फॉर्म में याद कर लीजिए। पुरुष एकल कार्लोस स्पेन की खिलाड़ी, महिला एकल इगा पोलैंड की खिलाड़ी है। पुरुष युगल में मैट और मार्सेलो एमएम, पुरुष में एमएम ने जीता है, मैट ने और मार्सेलो ने, महिला में के ने जीता है, के ने जीता है, इतना याद कर लेना। मिक्स डबल याद करना हो तो कर लेना। हाँ जी, भारतीयों की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, उपविजेता में भी और विजेता की श्रेणी में भारतीयों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बीच में टोकना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि यह प्रतियोगिता वर्ष में 4 जगह आयोजित की जाती है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो वर्ष की शुरुआत में आयोजित की गई थी, इसमें पुरुष डबल्स में हमारे भारतीय रोहन बोपन्ना और मैथ्यू हेडन ने जीता था यह खिताब। सबसे अधिक उम्र में जीतने वाले थे रोहन बोपन्ना, भारतीय टेनिस खिलाड़ी, याद रख लेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना ने ही पुरस्कार जीता था पुरुष डबल्स का, तो ये याद रख लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन के बारे में जानकारी दे दी है। विंबलडन ओपन किया जाएगा जो कि लंदन के इंग्लैंड में खेला जाएगा, घास के मैदान में खेला जाता है। और यूएस ओपन वर्ष के अंत में चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम होगा, न्यूयॉर्क शहर में यह खेला जाता है और अगस्त महीनों, सितंबर के महीनों में यह आयोजित हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि यह 10 मिनट शो में आपके पास फ्रेंच ओपन से संबंधित जानकारी, फ्रेंच ओपन के इतिहास से संबंधित जानकारी, विजेताओं की देश, विजेताओं के तथ्य भी आप तक पहुंच चुके होंगे। अगर पहुंच चुके हैं और 10 मिनट शो का आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह लगातार डेली आता है, आप डेली चेक कर सकते हैं, डेली आता है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल से आपको कुछ और नया मिलेगा, तो जरूर 10 मिनट शो को फॉलो करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइए कि कैसा लगा 10 मिनट शो। और अगर आप लोग सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देख रहे हैं तो जरूर देख लीजिए, वहां पे भी आपको इन्हीं जानकारियों के बारे में और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलती है। मैं मिलती हूँ आप सभी को कल की क्लास में सुबह 8 बजे, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।